सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर वो समझ लो एक कीड़ा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करना है। गाइज यूट्यूब पर मेहनत तो हर कोई करता है, कोई दोस्तों बहुत कम टाइम में यूट्यूब पे सफल हो जाता है, पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे सालों मेहनत करते हैं पर उनका कोई भी नामो निशान नहीं होता है कि यूट्यूब पे वो वर्क भी कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटर उनको नहीं जानता है, कोई ज्यादा लोग उनकी वीडियो को नहीं देखते और वो लोग दोस्तों काफी परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और उनको उनका मन होता है कि हम यूट्यूब को छोड़ दें। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से आपको मिलवाने वाली हूं जो दोस्तों यूट्यूब पे लगभग 5 सालों से काम कर रहे हैं, उनके दोस्तों 2 चैनल है वो डिलीट हो चुके हैं, तब भी दोस्तों वो तीसरे चैनल पे मतलब बरकरार अपना काम कर रहे हैं, कोई भी हार नहीं मानी है और दोस्तों फुल एनर्जी के साथ अपना काम कर रहे हैं, डेली वीडियो अपलोडिंग करते हैं, लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं और मैं आपको उनकी पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो से काफी मोटिवेट होंगे और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनके चैनल का लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इनको पूरा सपोर्ट करें क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो गाइस इनके चैनल का नाम है टैग जी, ठीक है, टैग जी करके इनके चैनल का नाम है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और दोस्तों इनकी जो कहानी है वो दोस्तों मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, ये अपने मुंह से खुद ही बताएंगे कि आखिर इनकी लाइफ में क्या क्या दोस्तों इन्होंने स्ट्रगल किया है, क्या क्या इनके आगे परेशानियां आई और आज ये यूट्यूब पे तब भी काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी स्टोरी को जान लेते हैं और फिर दोस्तों मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप सभी भगवान रूपी व्यूअर्स को मैं इस दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरी ये वीडियो प्ले कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं अपनी ही कहानी सुनाऊंगा अपनी ही जुबानी। दोस्तों मेरा नाम है सुशील मौर्य और मैं यूपी के बलिया जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला इंसान हूं, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो को देने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न ये है कि मैंने हर उस क्रिएटर के इंस्टा को फॉलो किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरी कंडीशन इतनी बुरी है कि मैं सर अपना एक समझ लो कि अगर एक पैंट खरीदना चाहूँ तब भी नहीं खरीद सकता। तो फिर मैंने हर उस बड़े क्रिएटर को जैसे टेक चैंपियन सपोर्ट को, नित्या के सपोर्ट को, सभी को फॉलो किया, टेक्निकल बुखार को, सबको फॉलो किया इंस्टा पे और सबसे रिक्वेस्ट कर डाली, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर डाली, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। और रिप्लाई दिया तो केवल एक यूट्यूब के ऑनर ने जिनका नाम है सरिता पटेल ऑफिशियल, सरिता पटेल दी को मैं थैंक्स कहता हूँ, उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो दो, अपनी रियल स्टोरी बताओ, मैं आपको प्रमोट कर दूँगा, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस मैं यूट्यूब पे 5 साल से लगा हूँ और आज की डेट में मैं जिस चैनल पे काम कर रहा हूँ वो मेरा तीसरा चैनल है। उससे पहले ऑलरेडी मेरे 2 चैनल बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मैं छोटा क्रिएटर हूँ, मैं सुनाऊंगा तो कोई कहेगा कह रहे मजाक कर रहा है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। नित्या के सपोर्ट बोलता है कि मेरा 2.5 मिलियन वाला चैनल डिलीट हो गया। भाई कौन जानता था कि 2.5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स थे चैनल पे, लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम छोटे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है और दोस्तों दुनिया में सही बताऊँ रियलिटी यही है कि छोटे लोगों को चाहे वो YouTube का फील्ड हो या चाहे किसी भी फील्ड में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। भाई बड़े लोगों को ही लोग और सपोर्ट करते हैं कि वो और बड़ा बन जाए, छोटे लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है, राइट। तो मैंने जब YouTube चैनल बनाया पहला, 1.5 साल मेहनत की, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज आ गई और वो चैनल बर्बाद हो गया। पता नहीं था कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज होता क्या है। उसके बाद फिर 2nd चैनल मैंने क्रिएट किया, फिर उस पर भी काम किया, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, वो भी चैनल बर्बाद हो गया। फिर अंदर से मैं बिल्कुल टूट सा गया, यार ये पता नहीं यूट्यूब क्या चाहता है मेरे साथ, मेरी किस्मत क्या चाहती है, मैं बार बार मेहनत कर रहा हूँ मेरा चैनल बर्बाद हो जा रहा है। अंदर से टूट जाने के बाद मैंने 1 साल का गैप दिया और उस 1 साल में मैंने ऑनलाइन अर्निंग का काम स्टार्ट किया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो अर्निंग होती है थोड़े बहुत वो करता रहा। 1 साल का जब गैप दिया ना, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग का काम स्टार्ट किया। ऑनलाइन अर्निंग से ही रिलेटेड वीडियोस मैं देना चाहता था, तो फिर मैंने 3rd चैनल क्रिएट किया और गाइस मैंने हिम्मत नहीं हारी। देखो यूट्यूब पे या किसी भी फील्ड पे सक्सेस होने का एक ही मूल मंत्र है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना जज्बा है, आपके अंदर कितना वो हुनर है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर वो समझ लो एक कीड़ा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, वो आपको ना चैन से सोने दे, ना बैठने दे, ना उठने दे, मतलब कि वो कीड़ा ना आपके अंदर जब तक घूमेगा नहीं ना, चलेगा नहीं ना,
आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो मेरे अंदर ये कीड़ा तो था कि यूट्यूब पे सक्सेस होना है चाहे जैसे भी हो। ठीक है, फिर मैंने तीसरा चैनल क्रिएट किया। तीसरा चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 2020 सितंबर में चैनल क्रिएट किया, उस चैनल का नाम टेक्जी है। उसके बाद फिर सितंबर से लेके अभी तक मैं उस चैनल पे काम कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से काम किया। लेकिन बीच बीच में मेरे साथ सर ऐसी इंसिडेंट हो गई ना कि बीच में मैंने उस चैनल पे 4-5 महीने काम नहीं किया। फिर मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई कि मैं बिल्कुल टूट गया यार, बिल्कुल अंदर से टूट गया। ठीक है, दिसंबर में मेरी माता जी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गई। उसके बाद यार समझ लो कि अंदर से आदमी एकदम जैसे टूट जाता है ना, हिम्मत नहीं कर रहा था यार यूट्यूब पे लगे रहो, बिकॉज कि यूट्यूब पे पैसे भी नहीं आ रहे थे। और सबको ज़रूरत है यार, सबकी नीड से पैसा। अगर आपके पास है पैसा तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो। कहावत लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, राइट? पैसा नहीं हो तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो यही सब चीज़ें हैं मेरी स्ट्रगल की कहानी। और दोस्तों मैं अपनी कहानी आप ही लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। मैं YouTube पे बस लगा हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सरिता दी को हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने कहा कि आप एक वीडियो बना के दो, अनलिस्टेड करके मैं आपको प्रमोट कर दूँगी। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख ही रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो, और मैं भी अपने चैनल पर बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट, क्वालिटी भरी कॉन्टेंट देने का पूरी कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से, शिद्दत से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो गाइज आप लोगों ने इनकी स्टोरी को जान लिया दोस्तों, काफी इनकी जो स्टोरी है वो सैड है, और दोस्तों इनके आगे काफी परेशानियां आई आप लोगों ने जैसा कि इनके मुंह से खुद सुना है। और दोस्तों मुझे भी काफी मतलब सुन के सैड फील हुआ कि दोस्तों यूट्यूब पे इतने लोग काम कर रहे हैं पर सफलता किसी को भी ढंग से मिल नहीं रही। आप लोग दोस्तों इनको पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अब अपने चैनल पे ऐसे ही प्रमोशन करूंगी। मुझे दोस्तों कम्युनिटी टैब में डाल के या टेलीग्राम चैनल पे डाल के कोई भी सपोर्ट नहीं करता, पर दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के अंदर दूसरे लोगों को लेके आऊँ, ताकि अगर उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, पर दोस्तों उतने लोग उनको जानेंगे तो कम से कम कोई जानेगा तो कि हाँ यूट्यूब पे ये बंदा भी है, ये भी कंटेंट बनाता है और इसके कंटेंट में दम है। पर दोस्तों आप लोगों को खुल के सपोर्ट करना है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका भी कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और दोस्तों हम ऐसे ही जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं काफी लोग दोस्तों, ऐसे लोगों की स्टोरी जो मुझे काफी सुनने के लिए मिलती है, इंस्टाग्राम पे काफी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई करूंगी, फास्ट आपको रिप्लाई मिलेगा अब से। क्योंकि दोस्तों अब मैंने यही मुहिम चालू की है कि दोस्तों मैं 1 वीक में 1 पर्सन को प्रमोट करूंगी अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे जब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट करूं। तो अगर दोस्तों इनकी स्टोरी से आपको कुछ भी शिक्षा मिली हो, आप लोग इनसे कुछ भी मोटिवेट हुए हो, क्योंकि दोस्तों हमें क्या है, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, पर दोस्तों आपको हार नहीं माननी, आपको रेगुलर वर्क करना है, क्योंकि आशा की किरण एक ना एक दिन हमें नजर जरूर आती है। भाई को अपने खुल के सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे हमारे काफी यूट्यूबर हैं जो दोस्तों काम तो बहुत मेहनत से करते हैं पर उनको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स खुल के सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार लास्ट करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।